नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज। मेरा नाम अभिषेक है। टीओडी यानी अग्निपथ स्कीम का पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। हम इस वक्त सुबह सुबह मुजफ्फरपुर के ग्राउंड पर हैं, जहां आर्मी की तैयारी करने वाले छात्र हैं, जो छात्र भी विरोध कर रहे हैं। क्या कहेंगे, आखिर क्यों विरोध हो रहा है? क्योंकि इसमें सरकार हम लोग के लिए मतलब क्या कहते हैं, एक तरह से आँख मूंद लिया है। दो साल से तो एक भर्ती नहीं आ रहा है, ऊपर से एक भर्ती भी हुआ उसका रिटेन कैंसिल कर दिया गया। फिजिकल मेडिकल निकाल के भी रिटेन कैंसिल कर गया, TET लागू करके। तो और मतलब हम लोग को करियर से खेल रहा है सरकार, मतलब खेल रहा है सरकार। इसमें हम लोग पूर्ण तरह से TOD का विरोध हम लोग कर रहे हैं। पूरे भारत का जितना भी युवा लड़का तैयारी करता है फौज का, सब TOD का विरोध कर रहा है। बस इतना ही चाह रहे हैं हम लोग, कह रहे हैं कि सरकार TOD वापस ले ले। सरकार तो कह रही है कि और जगह भी आपको नहीं, ये कहीं नहीं मतलब कह रही है सरकार कि कहीं नौकरी दे, TOD ही लागू करना सिर्फ चाह रही है। TOD और सैनिक बल में भी देख लीजिए, हमारा पैरामिलिट्री फोर्स में भी TOD लागू हो गया। जैसे हो गया CRPF, असम राइफल हो गया, इसमें भी TOD लागू कर दिया। तो हम लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? अभी अगर एज भी हम लोग का धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है, बहाली भी नहीं आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे बतलाइए। सरकार ने कल एक निर्णय लिया है कि इस साल अग्निपथ स्कीम में 23 उम्र कर दी गई है। देखिए, पहले से भी हम लोग ऐसे GD का एज था 21 और ट्रेडमैन टेक्निकल मिला के 23 था, तो इसमें कम से कम 2 साल छूट देना चाहिए। TOD का हम लोग पूर्ण तरह विरोध कर रहे हैं, सब पूरे मतलब जितना है सब। TOD को तो हटाना ही अथी रहेगा, ठीक रहेगा। TOD हम लोग के लिए नहीं है ठीक। TOD से हम लोग से बहुत परेशानी है। 4 साल जॉब करके फिर फैक्ट्री में जाना पड़ेगा, तो क्यों ना आज ही हम फैक्ट्री में चले जाए। 4 साल तैयारी करे, 2 साल तैयारी करे, इस चीज़ का तैयारी करे, फिर बाद में वही हाल हो जाएगा कि फैक्ट्री में कमाना पड़ेगा हम लोग को 10,000-15,000 कमाएंगे। और हम लोग के गरीब लोग ही जाते हैं आर्मी में, कोई नेता का लड़का आर्मी में नहीं जाता। हम लोग जैसे मेहनत करके और दिन रात मेहनत करके 4 साल बाद फिर आके हम लोग क्या करेंगे, रोड पर घूमेंगे 4 साल बाद, तो हम लोग का जिंदगी बर्बाद है, कोई बेनिफिट ही नहीं है TOD लगाने से। अच्छा, हम सरकार से यही अपील करना चाहते हैं कि TOD का विरोध किया जाए। अगर 4 साल का स्कीम लगाया गया है तो जितना भी विधायक है, संसद है, चाहे कोई भी है, वो अपने बेटा को भेजे, अपना भी 4 साल के लिए अग्निपथ के तहत आए, बैठे 4 साल के बाद फिर अपना भी मतलब पेंशन बंद करे। और मतलब हम लोग इसका पूर्णतः विरोध करते हैं, और हम लोग ये जानना चाहते हैं, अगर सरकार हम लोग को बोल रही है जो 4 साल के बाद अगर हम सर्विस देंगे, तो अभी जो प्री मेच्योर रिटायरमेंट जो आ रही है जवान जो 17 साल के बाद, उसको कहां, उसका भी तो है मतलब जॉब देने का, उसको कहां जॉब एक्स सर्विसमैन को मिल रही है, जो हम लोग को मान लें जो 4 साल के बाद हम लोग को जॉब मिलेगी, वही 5,000 का सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी, इसके अलावा कुछ हो सकता है क्या? सरकार सिर्फ हम लोग को भ्रमित कर रही है, इसके अलावा कुछ नहीं कर रही है। सरकार युवा के लिए कुछ सोच ही नहीं रही है। TOD को पूर्णतः वापस लिया जाए। रेलवे वही हाल है। TOD हाय हाय, TOD बंद करो। मैं कहना चाहूंगा कि TOD फालतू का स्कीम है, जो वेस्टर्न से देख के लाया जा रहा है, रसिया यूक्रेन ये सब को देख के लाया जा रहा है। वहाँ की आबादी उतनी नहीं है कि जितनी सेना में, इसलिए वहाँ पर परमानेंट सर्विस किया गया कि 5 साल सबको करना चाहिए वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे उनके पास उतने आबादी नहीं है कि वो कल सेना बना सके। यहाँ पे 1 साल में 60,000 के अप्रोक्स सेना में भर्ती होता है, जिसमें 50 से 60 लाख युवा आते हैं भर्ती देने के लिए भारत में, ठीक है। तो ये देख रहे रसिया का कहानी, रसिया 3 महीने से यूक्रेन से लड़ाई कर रहा है, अभी तक नहीं जीत पाया। क्यों? दुनिया का सेकंड कल मोस्ट पावरफुल कंट्री है, उसके बाद भी नहीं जीत पा रहा है। क्यों? इसका कारण यही है कि वो लोग 4 साल का देते हैं जॉब। अब वो जो जाएगा वो अपना शरीर बचा के लड़ेगा, अपना दिमाग लगा के कैसे हम बच के निकल जाए, ठीक है। और यही इंडियन आर्मी है जो इंडियन आर्मी है जो 91,000 पाकिस्तानी सोल्जर को सिलेंडर करवाई थी, वही 32 साल कल एवरेज एज था, उसके बाद भी इंडिया का नाम है, ठीक है। तो 32 साल में वो लोग जंग जीत सकते हैं, तो अभी कल क्या जरूरत पड़ गया कि आपको 24 साल में यंग कल आर्मी सोल्जर चाहिए, ठीक है। TOD वापस लेना चाहिए सरकार को, पूरा सरकारी संस्था को बेचा जा रहा है मोदी सरकार द्वारा। सबसे ज्यादा सरकारी संस्था हम लोग यही कहेंगे कि TOD वापस लेना चाहिए, क्योंकि हम पूरे युवा बच्चों को भविष्य का सवाल उनके साथ खेला जा रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए सरकार को। बस इससे तो आपने देखा कि सभी एकजुट होकर TOD का विरोध कर रहे हैं, TOD वापस लेने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि TOD से इनका कहना है कि इससे कोई फ़ायदा नहीं है, इससे नुकसान ही नुकसान है। 4 साल की भला नौकरी कौन करेगा, इससे अच्छा तो फैक्ट्री में काम कर लेंगे। तो बने रहिए लाइव सिटीज़ के साथ।